चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सम में बच्चा आप देखोगे तो बहुत कुछ लंबा दिया हुआ है, शो दैट हमें ये दिया हुआ है एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और हमें फाई लाना है। तो यहाँ पे सिंपल हमें कैसे स्टेप सॉल्व करना है, क्या करना है वो समझते हैं। तो बच्चा यहाँ पे जब भी हम करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल, यहाँ पे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे 1/3√8 ये पहला स्टेप लिख रहे हैं, थोड़ा हम प्रॉपर और कर देते तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने LHS लिख दिया, यहाँ पे 1/3√8 इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बच्चा। तो यहाँ पे ध्यान पे रखना मल्टीप्लाई हम ऑलवेज रैशनलाइज करना है, तो प्लस करके हमने ये लिख दिया, ये पहला स्टेप। अब दूसरे में भी सेम भी है, तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा 1/√8 - √7 मल्टीप्लाई किया, √7 + √8 + √7। तो ये स्टेप भी हो गया। यहाँ प्लस की साइन लिखी, यहाँ पे हमने लिखा √7 + −√6 मल्टीप्लाई भी सेम ऑपोजिट नंबर के साथ √7 + √6 √7 + √6। क्लियर, चलो आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे 1/ ये वाला स्टेप 1/√6 - √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 + √5 √6 + √5। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप हम जा रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे लिखा 1/√5 - √2 सेम चीज़। तो यहाँ √5 + √2 और इज इक्वल टू, तो हमें आंसर लाना है। अब बच्चा ये इतना लंबा सम जो है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे आपको आइडेंटिटी क्लियर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगेगी, a - b एंड a + b हमें गिवन है, तो हम a² - b² वाली। तो ये स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3² माइनस की साइन, यहाँ पे √8 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 + √8। अब ध्यान से साइन जो माइनस की है वही सर ने माइनस लिखा, यहाँ पे न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ √8 + √7, यहाँ पे √8 का स्क्वायर और यहाँ पे √7 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे हम लिखेंगे √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर और यहाँ पे √7 + √6। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो ये दोनों स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ माइनस एज इट इज़ लिखा, ये √6 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे √5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एज इट इज़ √6 + √5। क्लियर, चलो अब लास्ट यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर और अपॉन में ये 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर हमने लिख देंगे। यहाँ पे बच्चा एज इट इज़ हम लिखेंगे 5 + √2 मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब बच्चा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे समझना क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 8, √8 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 8, √8 × √8 हो जाएगा 8, आपको वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 3 + √8 एज इट इज़ हमने लिख दिया 3 + √8। यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो सेम वे √8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8, √7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे एज इट इज़ √8 + √7। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमने √7 + √6 लिखा और यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे √6 + √5 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चेंज कर, हाँ बस माइनस और ये 5। यहाँ की बात करते हैं बच्चा तो यहाँ पे होगा 5 + 2, √5 का स्क्वायर बच्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। क्लियर, अब जैसे ये स्टेप करोगे ध्यान से देखो, ये माइनस करो तो 1, ये माइनस करो तो 1, 7 - 6 करोगे तो 1, 6 - 5 करोगे तो 1, 5 - 4 करोगे तो 1। तो हमें सिंपली इतना तो समझ में आ गया, सबका आंसर 1 1 1 1 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर तो हमारा क्या हो जाएगा,
सिंपल वे में डिनोमिनेटर जो हमारा है वो तो 1 हो गया, तो सिंपल हमें स्टेप लिखना है 3 + 8 रूट 8। यहाँ पे बच्चा जो मेन बात है मुझे ये समझाना पड़ेगा, रूट 8 प्लस रूट 7 ब्रैकेट में लिखा क्योंकि आगे माइनस की साइन है, प्लस यहाँ पे रूट 6 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6, यहाँ माइनस की साइन है तो बहुत ध्यान से समझेंगे, रूट 6 प्लस रूट 5 और यहाँ पे रूट 5 प्लस 2। क्लियर बच्चा? जैसे ये स्टेप होता है तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस रूट 8। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये ब्रैकेट खुलते ही ये माइनस रूट 8 हो जाएगा, ये माइनस रूट 7 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रूट 7 ये वाला और ये प्लस रूट 6। वापिस यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, ये माइनस रूट 6, ये माइनस रूट 5, ये प्लस रूट 5 प्लस रूट 2। अब ध्यान से देखो बच्चा क्या कट हो सकता है, तो ये प्लस एंड माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 कट हो जाएगा, ये प्लस रूट 6 और ये प्लस माइनस रूट 6 कट हो जाएगा, ये माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कट हो जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस 2 वो हो जाएगा, ये 3 ये रहा और ये 2 ये रहा, तो ये हो जाएगा 5 जो हमारा आर एच एस हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो बच्चा ये सम दिखता बड़ा है, जेन्यूनली बोलूँ ये दिखता बड़ा है, स्टेप ध्यान से करना है, माइनस प्लस की साइन प्रॉपर लिखी तो 99 नहीं 100% आपका आंसर आ जाएगा, बस खाली थोड़ा स्टेप देखना है, समझ के करोगे तो 110% क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर लिख दो, इसके जैसे हम सम करने ही वाले आगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।